हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब देख रहे हैं एबीपी न्यूज। बेहद दुखद खबर आ रही है इस वक्त। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया है। वाजपेयी सरकार में जसवंत सिंह ने वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालय समेत कई अहम जिम्मेदारी संभाली। प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर जसवंत सिंह को श्रद्धांजलि दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, दुखद खबर, जसवंत सिंह का निधन हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह नहीं रहे, वाजपेयी सरकार में अहम पदों पर रह चुके हैं, अलग तरह की राजनीति के लिए जाने जाते रहे हैं और आज निधन की खबर आई है। प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर जसवंत सिंह को श्रद्धांजलि दी है। और इस वक्त हमारे साथ मनीष जुड़ रहे हैं। मनीष, बेहद दुखद घटना, और कहां पे हुआ ये जो इनका निधन हुआ, वो कहां हुआ और अंतिम संस्कार कहां होने वाला है? जी शिखा, निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति और पूरे देश के लिए एक स्तब्ध कर देने वाली खबर। हालांकि जसवंत सिंह, जिन्हें जसवंत सिंह जसूल कहा जाता है, मूल पर राजस्थान के जसूल गांव के रहने वाले थे। राजस्थान से एक लंबा उनका नाता रहा है। राजस्थान से सांसद रहने के अलावा राजस्थान के कार्यकाल में ही उन्हें मंत्री पद से ही नवाजा गया। एक लंबे अरसे से बीमार थे, कोमा में चल रहे थे और दरअसल उनके साथ हादसा पेश आया था। तब वो अपने घर के बाथरूम में 2 साल पहले फिसल कर गिर गए। तब से लगातार उनका सैनिक हॉस्पिटल दिल्ली में इलाज चल रहा था। जहां तक अंतिम संस्कार की बात है, माना जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव जसूल में ही किया जा सकता है। हालांकि कुछ ही देर बाद उनके बेटे मानवेंद्र सिंह ये तय करेंगे कि अंतिम संस्कार कहां होगा। लेकिन मानवेंद्र सिंह लंबे अरसे से कोमा में चल रहे थे। डॉक्टर्स अपनी ओर से उनको पूरा उपचार दे रहे थे सैनिक हॉस्पिटल दिल्ली में। लेकिन आज जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो ये तय हो गया कि भारतीय राजनीति का एक बड़ा नाम इस दुनिया से विदा हो गया। जी शिखा। जी मनीष, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बेहद दुखद खबर। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह नहीं रहे। वाजपेयी सरकार में जसवंत सिंह ने वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालय समेत कई अहम जिम्मेदारी निभाई थी। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, जसवंत सिंह जी ने पहले सैनिक और फिर राजनेता के तौर पर देश सेवा की। इसके साथ ही वो लिखते हैं, अटल जी की सरकार में उन्होंने वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालय जैसी जिम्मेदारियां संभाली। जसवंत सिंह जी के निधन पर बेहद दुख है, उनका योगदान देश याद रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है जसवंत सिंह को। बेहद भावुक होते हुए उन्होंने ट्वीट किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है और उन्हें, जसवंत सिंह को उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है। राजनाथ सिंह देखिए क्या लिखते हैं, जसवंत सिंह जी के निधन पर बेहद दुखी हूं। उन्होंने कई मंत्रालयों के साथ रक्षा मंत्रालय भी संभाला था। इसके साथ ही वो लिखते हैं आगे, अपने काम से उन्होंने खुद को हमेशा शानदार नेता और बेहतरीन सांसद के तौर पर ख्याति पाई है। और देखिए, जसवंत सिंह हमेशा एक अलग तरह की राजनीति करने के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन जसवंत सिंह का किरदार कैसा रहा है ये आप समझिए। बीजेपी के सबसे कदावर नेता नहीं रहे प्रधानमंत्री मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बीजेपी के सबसे कदावर नेता 1980 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। देखिए, ये राजनीतिक सफर उनका कैसे रहा ये आपको समझा रहे हैं। 1996 में वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री बने और इसके साथ ही अलग तरह की राजनीति करने के लिए जसवंत जी बहुत ज्यादा जाने जाते थे।